इसका डैशबोर्ड बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैनेजमेंट भी आसान है और ये आपको काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टोरेज हो गया, वीडियो ठीक है, फ्यूचर मेमोरी हो गया, और प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ये काफ़ी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है इससे रिलेटेड, जैसे कि सिंडर ग्लास, कीस्टोन, न्यूट्रॉन, सेलोमीटर, सहारा, नीला, सर्च लाइट, हीट, आयोनिक, स्विफ्ट प्रो एंड हॉराइजन ईटीसी। और ये एक और इसका बेनिफिट ये है कि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से काफ़ी लोग जब जुड़ जाते हैं एक कम्युनिटी में होते हैं तो इसके जो एरर्स होते हैं वो फाइंड करने में आसान होते हैं, जिससे आपको सर्विसेज को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसका ये भी एक बेनिफिट है और कंपेटेबिलिटी, ये कंपेटेबल भी है AWS में भी यूज हो सकता है। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे साथी सनाउल्ला ने जो है अपन शायद का इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको फुली एक्सप्लेन किया है, मैं इसके कंट्रीब्यूशन स्टेप्स को जो है वो वाइंड अप करूंगा इंशाल्लाह। और इसमें VMs इस तरह क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन्स इस तरह बना सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैं फटाफट इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट्स हैं कि आपने जो भी आप वो यूज़ कर रहे हैं, फेडोरा यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, विंडोज यूज़ कर रहे हैं, तो उसको पहले अपडेट करें। हाँ सर, जी सर, इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो? यस सर। वीएम भी क्रिएट करवाओगे? यस सर। लगभग अगर हम पार्ट ऑफ वीएम पे स्टाफ क्रिएट करवाओगे? यस सर। ये हम लोग ये डायरेक्ट पैकेज में करवा रहे हैं। कौन सा सर? जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है कि उसमें पैकेजिंग अपने तरफ इंशाल्लाह सर। तो बस वो पहले वो लॉगिन आईडी वाला उससे होने नहीं रहा, वो कर के ना नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीक में। यस सर। यस सर। तो नहीं है ना वो जब तो आप में नेक्स्ट वीक के अंदर प्रैक्टिकली कोई क्लास का करोगे तो क्लास में पता चलेगा और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक सर, ठीक हो गया सर। ठीक है, बैठ बैठ। हां, और कुछ नहीं ना सर? नहीं सर, और कुछ नहीं, बस ठीक है, बैठ।